मुल्क भर में एहसास प्रोग्राम के तहत इमदादी रकम की तकसीम जारी है। मुल्तान राजनपुर में एक बार फिर बदनज़मी देखने में आई। भगदड़ मचने से खातून जां बहक और 20 अफराद जख्मी। राजनपुर में भी भगदड़ मचने से 3 खवातीन जख्मी हो गयी। मुल्क भर में एहसास प्रोग्राम के तहत मुस्तहकीन में 12,000 रुपए नकद रकूम की तकसीम का सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन रकूम की तकसीम के दौरान बदनज़मी देखने में आई। रेस्क्यू 1122 तर्जुमान के मुताबिक मुल्तान में गवर्नमेंट एम ए जिना हाई स्कूल और सेंट्रल जेल के करीब मुस्तहक खवातीन में रकम की तकसीम के लिए सेंटर बनाया गया था, जिसे बद इंतजामी के बाद बंद कर दिया गया था और तमाम खवातीन को गवर्नमेंट एम ए जिना हाई स्कूल के सेंटर भेज दिया गया, जहाँ 4,000 से ज्यादा खवातीन जमा हो गयी। स्कूल के सेंटर में भगदड़ मचने से एक 70 साल खातून जां बहक और 20 जख्मी हो गईं। इस जमीन में असिस्टेंट कमिश्नर मुल्तान आपदा फरीद का कहना है कि वाकये की तहकीकात की जा रही है, 2 दिन में रिपोर्ट मंजर आम पर लाई जाएगी। मरने वाली खातून की उम्र 70 साल थी और ऐसा लगता है कि वो दिल का दौरा पड़ने से जां बहक हुईं।